हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए, आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट और भी है ना, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा लिखे गए जो प्रमुख पुस्तक है और पुस्तक और उसके राइटर यानी लेखक को देखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक प्रश्न है ना, कभी कभी आप देखे होंगे स्टेट PCS में, BPSC में, BPCS में, है ना, JPSC में, SSC में, डिफेंस में या रेलवे में, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटे से वीडियो में। हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन को देखेंगे, पुस्तक और लेखक, जो कि एक प्रश्न आता है ना, कभी कभी देखने को मिला होगा और सीट में मिलता है बार बार प्रीवियस ईयर में भी। तो अगर हम बात करेंगे, पहला पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, है ना। तो अनहैप्पी इंडिया लिखा गया है किसके द्वारा, तो लाला लाजपत राय के द्वारा, है ना। तो अनहैप्पी इंडिया है ना, लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया है, ठीक है ना। इसके बाद गीता रहस्य है ना, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिए यहाँ पे गीता है और यहाँ पे गंगा है ना, तो डोंट माइंड इट, हम लोग रिलेट कर रहे हैं ताकि रिमेंबर रहा जा सके काफ़ी दिनों तक। तो गंगा से यानी ग ग है तो गंगा, गंगा ये भी है गीता गंगा, यानी गंगा रहस्य यानी गंगा घर तिलक, है ना। इसके बाद फिर देखिएगा बंदी जीवन, है ना, बंदी जीवन यानी नाथ टाइप में, है ना, लग रहा है सन्याल मतलब संन्यास से लिया है ना, बंदी जीवन, है ना। तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा हुआ प्रश्न है कि बंदी जीवन किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। देखिए ये रिलेट करने के लिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, डोंट माइंड इट, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछता है, माई एक्सपीरियंस इज ट्रूथ, है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, तो ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, यानी अगर इंडिया को डिवाइड नहीं करना है तो राजपाट को संवारना है, यानी प्रसाद, तो इस तरह से रिलेट करते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया टूडे है ना, तो इंडिया अगर टूडे की बात करेंगे तो इंडिया टूडे रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया है, रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया है इंडिया टुडे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट नेशन इन इज़ मेकिंग, तो नेशन इज़ मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना, मेकिंग यानी बनेगा, क्या बनेगा, बनर्जी, है ना, तो बनाना यानी मेकिंग करना, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पाकिस्तान एंड द पार्टीजन ऑफ इंडिया, है ना, पाकिस्तान एंड पार्टीजन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, है ना, जो संविधान के पिता है, है ना, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, याद रखिएगा। इसके बाद द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, है ना, तो बस बॉम्बे, है ना, और बस से बोहरा, है ना, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों याद करने के लिए, यानी भगवत चरण बोहरा। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है, जो बेसिकली हम लोग देख रहे थे, जैसे मैं हिंद स्वराज हो गया, होम रूल लॉ हो गया, है ना, इंडियन होम रूल, ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया पुस्तक है। इसके बाद सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो देखिए प्रकाश आएगा, ज्ञान आएगा, सत्य रहेगा, है ना, तो सरस्वती माँ, है ना, तो सत्यार्थ प्रकाश याद रखेंगे इस तरह से, है ना, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। इसके बाद इंडियन स्ट्रगल, अब मान लीजिए जो स्ट्रगल करेगा, है ना, स्ट्रगल कौन करेगा, जो बॉस होगा वही नहीं करेगा दोस्त, यानी स्ट्रगल करेगा प्रॉब्लम को, बाधा को, रुकावट को, है ना, काफ़ी चीज़ को फेस्ट करेगा, यानी फेस करेगा प्रॉब्लम को, स्ट्रगल करेगा, तो वो करेगा बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो डोंट माइंड इट, इसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं ओनली फॉर रिमेम्बरिंग, है ना। इसके बाद है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है पॉवर्टी, है ना, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, दादा भाई नौरोजी। देखते हैं हम लोग दादा वगैरह जो होते हैं कितना रूल रेगुलेशन से चलते हैं, यानी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, है ना। इसके बाद आनंद मठ, तो आनंद मठ की अगर हम बात करेंगे तो आनंद मठ ये लिखा गया पुस्तक है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, आनंद मठ, है ना, आनंद मठ, है ना।
यहाँ पे नंद है, मंच चंद ऐसे आनंद इस तरह से रिलेट करिएगा। इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम यानी इंडिया विंस फ्रीडम यानी इंडिया विंस फ्रीडम, अगर फ्रीडम करना है तो अब्दुल कलाम आज़ाद, तो फ्रीडम कहिए आज़ाद कहिए ये सभी मिलता हुआ वर्ड है, तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि फ्रीडम अगर है इंडिया विंस फ्रीडम तो वह अब्दुल कलाम आज़ाद है ना। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो ये लिखा गया है डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहरलाल नेहरू है ना। इसके बाद नेक्स्ट है इंडिया फॉर्म कजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये दुर्गादास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस जो रहेगा अगर हैप्पी आएगा तो आप पूरा विजय, मान लीजिए विक्ट्री होगा किसी किसी चीज़ में किसी युद्ध में, तो आप अपने आप में हैप्पी रहिएगा यानी हैप्पीनेस, तो विजय, विजय यानी विजय हो गए, विजय देव भव है ना, तो विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है बेसिकली वो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस लिखा गया है, तो इसे रिलेट कर रहे हैं ओनली फॉर रिमेम्बरिंग के लिए है ना, क्योंकि इतना बड़े बड़े पर्सनालिटी हैं हम लोग इससे बहुत सारे चीज़ को प्रेरणादायक सीखते हैं, तो ओनली फॉर रिलेट कर रहे हैं दोस्तों, ताकि हम लोग को ये पुस्तक के साथ साथ और लेखक का नाम भी याद रखें, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे देश के लिए है ना, मान सम्मान ये सभी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इंडिया एंड इंडियंस मिशन, ये द्वारा ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अलेक्जेंडर डफ के द्वारा है ना, अगर मिशन पे जाना है तो अलेक्जेंडर मतलब इस तरह से रिलेट कर सकते हैं इंडिया मिशन, तो ये अलेक्जेंडर डफ के द्वारा लिखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखे गए पुस्तक को देखे जो कि अभी भी आया है, और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिला होगा और सेट में मिलता होगा, प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलता है ये प्रश्न। तो थैंक यू सो मच, सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।